हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत जो जो लॉ आते हैं उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होते क्या हैं। तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। तो इसमें जो सबसे पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके बाद हम इन तीनों लॉज को एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये जो लॉ था ये मेंडल द्वारा दिया गया था, जो और ये जो इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ है, इसके अंतर्गत मेंडल ने बताया था कि जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के पीछे छुप जाता है, जो कि शो नहीं हो पाता। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि अगर हम रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच क्रॉस करवाते हैं तो इसमें रेड फ्लावर अगर डोमिनेंट है तो वाइट फ्लावर इसमें रिसेसिव है। अगर तो इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी आर एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, ये इसमें हमें डोमिनेंट रेड कलर देखने को मिलेगा। और यही जो था ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था, और ये सारे लॉज में सबसे पहले आता ही आता है। तो इसके बाद अब हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यह भी मेंडल ने ही दिया था, ये इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। और इस नियम के अनुसार जब मेंडल ने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस करवाया था तो उन्होंने F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिले थे। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लेकिन इसमें क्या होता है कि जब लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर्स था वो ख़त्म हो जाता है। तो यही मेंडल कह रहे थे कि जब लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ रिसेसिव कैरेक्टर भी F1 जनरेशन में थे, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर के सामने खुद को फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं कर पाए। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बिना एक दूसरे को दूषित किए अलग अलग शो होते हैं। और यही जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के जैसा ही है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम आधा पढ़ते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम उसके आगे जानते हैं कि जो रिसेसिव कैरेक्टर्स था वो अलग कैसे होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं इसके बाद। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जानने के लिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। तो जो F1 जनरेशन में हमें अगर हम रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच क्रॉस करवाते हैं जिसमें रेड फ्लावर डोमिनेंट है और वाइट फ्लावर रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट है इसे हम कैपिटल R से शो करेंगे और जो रिसेसिव होता है उसे हम स्मॉल से शो करते हैं। तो F1 जनरेशन में हमें एक स्मॉल और एक कैपिटल प्राप्त होता है जिसका मतलब है इसमें दोनों एलील तो शामिल हैं, यानी कि रेड फ्लावर का भी और वाइट फ्लावर का, लेकिन जो रिसेसिव है वो अपने आप को शो नहीं कर पाता। इसके लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F1 जनरेशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं और इसके बाद हमें एक तो रेड फ्लावर मिलता है कैपिटल आर, और इसके अलावा जो हमें दो मिलते हैं एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, ये जो होते हैं ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, यानी कि इसमें ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं लेकिन इसमें जो डोमिनेंट कलर होगा वो रेड कलर ही प्राप्त होगा और एक इसमें हमें स्मॉल आर मिलते हैं जो कि वाइट फ्लावर होगा। तो इस प्रकार जो F1 जनरेशन थी इसमें जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन में ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो इसमें हम देखते हैं कि जो कैपिटल आर थे दोनों इन्हें हम होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं और जो दोनों स्मॉल आर थे उन्हें हम होमोजाइगस रिसेसिव कहते हैं। ये दोनों जो होती हैं ये प्योर होती हैं, इसमें जो होते हैं ये दोनों प्योर होती हैं, यानी कि ये दोनों सेम एलील होते हैं। और इसके अलावा जो एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर होते हैं इसे हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। तो इसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में
F2 जनरेशन में जो हमें रेशियो मिलता है जीनोटाइप रेशियो, वो मिलता है 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो जो मिलता है वो मिलता है हमें 3:1। तो इसके बाद इसमें हम थर्ड लॉ को पढ़ते हैं। तो जो थर्ड लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में के अंतर्गत जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। इससे पहले जो भी हमने लॉज पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों जो होते हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होते हैं। तो इस लॉ के अनुसार जब मेंडल ने दो जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुए। तो ये तो हम पढ़ चुके थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत, क्योंकि अगर हम किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस करवाते हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच, तो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं लेते हैं हम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, इसलिए इसमें हम दो जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेंगे। तो जब ये F1 जनरेशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो ये दोनों जो होते हैं तो ये एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं बिना एक दूसरे को दूषित किए, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। इसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, और इसे भी हम इसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ये डायहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है, इसलिए इसमें हम दो जोड़ों में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हैं। तो एक लेते हैं हम राउंड और रिंकल सीड, और दूसरे लेते हैं हम येलो और ग्रीन सीड। तो जो राउंड सीड है उन्हें हम कैपिटल R से शो करते हैं, और जो दूसरा होता है जो कैपिटल Y है इसे हम येलो शीट कहेंगे, और जो स्मॉल वाई है इसे हम ग्रीन शीट कहेंगे। तो जो RR और YY हैं ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और जो RR स्मॉल में हैं, RR और YY जो स्मॉल में, इन्हें भी हम हेटरोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे। तो इसमें जो होमोजाइगस, जो इसमें कैपिटल R और कैपिटल Y है, और जो दूसरा वाला है स्मॉल R और स्मॉल Y, इन दोनों के बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें एक कैपिटल R और स्मॉल R, और दूसरा कैपिटल Y और स्मॉल Y प्राप्त होते हैं, जो कि राउंड और येलो हेटरोजाइगस सीड थे। तो इसके बाद जब हम इसमें हम जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो इसके बाद हमें एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल R और स्मॉल Y, तीसरा जो था इसमें स्मॉल R और कैपिटल Y, और चौथा था जो इसमें दोनों स्मॉल R और स्मॉल Y प्राप्त होते हैं। तो इसके बीच जब हम दोबारा सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो F2 जनरेशन में इस टाइप से हमें ये सारे शो होते हैं। हम देख लेते हैं कि इसमें हमें कितने सीड और कैसे सीड प्राप्त होते हैं। तो जो हमें इसमें राउंड और येलो शीट मिले थे वो 9 मिले थे, राउंड और जो ग्रीन शीट मिले थे वो थे 3, और जो इसमें रिंकल्ड और येलो सीड मिले थे वो भी थे 3, और जो इसमें रिंकल्ड और ग्रीन शीट मिले थे वो थे 1। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो होता है मिलता है हमें 9:3:3:1, और जो जीनोटाइप रेशियो मिलता है वो मिलता है हमको 1:2:2:4:1:2:1:2:1। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे और इन्हें आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।